अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहर्ष्य वनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं य त्वमादिदेव पुरुषपुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठदन्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानतां महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासात्मसत्क्रतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको तवाप्युच्युत तत्समक्षम् त
Rakshamaye Tva Mahaprameyam. Tatkshamaye Tva Mahaprameyam. सो आखिरी श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को एक बहुत चौंकाने वाला वाक्य बोला और एक व्यवहार की एक कुंजी दे दी कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। चौंकाने वाला वाक्य ये बोला कि तुमको क्या लगता है कि तुम इनको मारोगे तब ये मरेंगे और इससे तुमको क्या लगेगा, पाप लगेगा। अर्जुन, जो भी तुमको दिखाई दे रहा है उन सबको मैंने पहले ही क्या कर दिया, मार दिया है। तुम्हारे मारने से कोई मरेगा नहीं, मारने वाला और जिलाने वाला तो मैं हूं। तो वास्तविकता में मैंने ही इन सबको पहले ही क्या कर दिया है, मार दिया है। इसलिए इस पंक्ति को याद रखिएगा, मयै एते निहताः पूर्वम एव। माया मतलब मेरे जरिए, हताः मैंने इनको पहले ही क्या कर दिया, पूर्व में ही मार दिया है। मैंने तो इनको पहले से ही मार चुका हूं, तो अब तुम दोबारा से जब मारोगे तो इसमें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से ही क्या हो चुके, ये मर चुके। अर्जुन, दूसरी एक बात समझो, आज तो इस समस्या का समाधान मैंने कर दिया, लेकिन जीवन के लिए ये समझो कि जब भी कोई काम करो तो अपने आप को निमित्त मानकर करना। ये संदेश भगवान का सबसे अच्छा संदेश है व्यवहारिक। सिद्धांत को समझें कि यदि व्यक्ति कर्म को करता है तो उसका एक पहला सिद्धांत है, यदि व्यक्ति ने कर्म किया तो उसको उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे वह सत्कर्म होवे और चाहे वह दुष्कर्म होवे। कोई भी कर्म ऐसा नहीं हो सकता कि बिना फल देवे वो चला जावे। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि फल क्या आएगा। जिस भावना से, जिस कर्तृत्व से मैंने कार्य किया वो फल आएगा, लेकिन फल व्यक्ति को लोभी बना सकता है। यदि मेरी इच्छाएं पूरी होती चली गईं तो मेरा विश्वास ईश्वर पे नहीं बैठता, मेरा विश्वास कर्म पे बैठता है। मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा काम हो जाएगा, जबकि फल देने वाला कौन है, वो। लेकिन मैं कुछ भूल वशात अपने को ही क्या मानने लगता हूं, करता। तो एक तरफ तो खाई है और दूसरी तरफ भी कुआं है। अगर पूरा हो जाए तो लोभ बढ़ गया, पूरा न होवे तो व्यक्ति निराश हो गया। यदि कर्म की सभी चीजें पूरी हो जाएं तो व्यक्ति को लोभ ही बढ़ जाता है, फिर तो और ना पूरा हो तो व्यक्ति निराश हो गया। तो इसलिए मैं कल कह रहा था, कहीं कोई साधक यह ना सोचे कि मैं अकर्मी बन जाऊं, मतलब सबकी जड़ ही हटा दो कि मैं कर्म का अनुष्ठान ही नहीं करूं, ये तो और भी बड़ी भूल है। कर्म तो भगवान ने हमें अपने रजोगुण, अपनी वासनाओं को क्षय करने के लिए दिया है। तो यदि कर्म करे तो फंस गए, ना करें तो भी बुरी बात है। तो जो इसका उपाय था वो यही था, कर्म किया जावे लेकिन करते समय अपने आप को कर्ता ना माना जावे। मैं अपने आप को कर्ता नहीं मान रहा हूं, इसको चेक करना है। तो अपने चित्त में ये चेक करें, ना तो अति प्रसन्नता ना तो अति दुख, दोनों चीजें हैं।
ना तो अति प्रसन्न, तो फिर तो कर्ता भाव है ही है, क्योंकि मैंने किया और मुझे सफलता मिली तो प्रसन्नति हो गई होगा। अच्छा नहीं हुआ तो वो अति दुख में चला गया, इसका मतलब कि कर्तृत्व तो तुम्हारे पास था। अगर मैं ये क्रेडिट किसी और को दूं कि ये आपके जरिए से हुआ, ये आपके कारण हुआ, तो व्यक्ति का काम भी हो गया और व्यक्ति के अंदर कोई अहंकार भी नहीं जगा। ये है व्यवहार की क्रिया। तो कल मैं कह रहा था व्यवहारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में तो अति आवश्यकता है निमित्त मात्र की। जो झगड़ा और जो कलह है वो प्रारंभ ही कर्तृत्व भाव से है। तो ये गृहस्थ आश्रम की एक बड़ी कुंजी है कि अर्जुन हर कर्म में अपने आप को निमित्त बनाने की कोशिश करना। ध्यान रखना, निमित्त मतलब ये नहीं है कि अकर्ता, मैं अपने आप को नहीं मानता हूं लेकिन यह जो कर्म कराया गया ये मेरे जरिए से कराया गया। देखो निमित्त को अच्छे से समझ लेना आप, जरिया आप ही होंगे, जरिया कोई और नहीं होगा, लेकिन उस जरिए को ये सिर्फ भान रहे कि मैं एक जरिया हूं। अगर कहीं उसने अपने आप को समझ लिया देने वाला, मैं कल मैं आपको कह रहा था जिसने जिस चीज का अभिमान किया भगवान ने उस अभिमान को तोड़ दिया है, क्योंकि कहा गया कि ईश्वर को सबसे जो नफरत है जिस चीज से वो है अभिमान। कल भी दृष्टांत दे रहा था, नारद जी को अपने ऊपर अभिमान आ गया तो नारद जी ने उस अभिमान को भी क्या कर दिया, तोड़ दिया। और अभी तो आप भागवत सुन रहे थे, वो जो दूत लोग खड़े थे वो दो भगवान के आगे, उनको क्या अभिमान था कि मैं चाहूं तो ईश्वर से मिलवाऊं और मैं चाहूं तो ईश्वर से मैं न मिलने दूं, ये भी अभिमान है। भगवान ने वो भी अभिमान क्या कर दिया, तोड़ दिया। अभिमान किसी भी चीज का हुआ, देखो आप चाहे भक्ति चाहे ज्ञान चाहे धन चाहे विनम्रता, किसी चीज का अभिमान हो गया आप आगे बढ़ो, आपके अभिमान को तोड़ने वाला कोई मौजूद है। कल मैं व्यवहारिक एक बात कह रहा था कि यदि कहीं स्त्री को यह अभिमान हो गया कि मेरे कारण इसको मिल रहा है भोजन, मेरे कारण ये व्यक्ति जीवित है, तो कोई ना कोई घटना ऐसी घटती है कि उसने अपना दूसरा रास्ता क्या कर लिया, चुन लिया। और पुरुष को ये अभिमान कहीं आ गया कि जितनी धन है संपत्ति मैं ही ला के दे सकता हूं, ये तो कुछ भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना, तो वो भी इस अभिमान को क्या करती है, तोड़ दिया। इसलिए बड़ा सुंदर जीवन जीने का तरीका है, काम मैंने ही किया लेकिन मेरे जरिए से क्या किया गया, करवाया गया। तो जब भी सफलता मिले तो भी उसको अर्पित कर दें, और असफलता मिले तो भी उसको क्या कर दें, अर्पित। ये सूत्र बना के रखें सदैव हर क्रिया में। और वो ध्यान रखना, ये तब हो सकता है जब आप छोटी छोटी क्रियाओं से चालू करें। छोटी एकदम से सोचें कि मैं सब कुछ ईश्वर का निमित्त बन जाऊंगा, ये होगा नहीं कभी, ये सिर्फ फिलॉसफी रह जाएगी। छोटी छोटी चीजों में अपने आप को निमित्त माने, व्यवहार की प्रतिदिन की क्रियाओं में अपने आप को क्या माने, निमित्त माने। सबसे अच्छा निमित्त का जो उदाहरण है वह हनुमान जी, इससे बढ़िया कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। कि कार्य करने के बाद न तो वो आगे हैं न तो वो पीछे हैं, न तो उन्होंने क्रेडिट लिया कि ये काम मैंने किया। इसलिए कर्तृत्व की बीमारी से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसमें व्यक्ति को यदि पुरस्कार ना दिया जाए तो भी दुखी है, और पुरस्कार दे दिया जाए तो भी परेशानी है। ये जीवों के अंदर भाव भरा हुआ है। कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ ना बोले, क्योंकि जो देखने वाला है वो कौन है, वो ईश्वर है।
लेकिन अगर मैंने किसी व्यक्ति के लिए किया और मेरे मन में ये जरा सा भान भी आ गया तो ध्यान रखना आपने दुख के बीज को क्या कर दिया है, बो दिया, फिर आगे चल के कभी न कभी तो आप फंसोगे। तो सबसे अच्छा नियम ये है, मुझ में जो भी कर पा रहा हूं वह उसकी कृपा से ही कर रहा हूं। ये जितनी सांसें, जितने कर्म, जितना किया वो आपकी कृपा से हुआ। संत लोग तो ऐसा भी कहते हैं, जो देखो उन्होंने लाइफस्टाइल बनाई थी ऐसी, ये आपने भी सुना होगा, प्रातः काल उठते मान ही ये प्रार्थना होनी चाहिए बिस्तर पर। प्रातः काल उठते ही यह प्रार्थना होवे, क्या प्रार्थना, कि आज आप जो भी कराएंगे, जो भी होगा भगवान वो आप ही कराने वाले हैं, इसलिए आप ही क्या दीजिए, मुझे ऊर्जा दीजिए। अच्छा, रात में बिस्तर पे सोते समय मुझसे जो भी गलत हुआ, मुझसे जो भी सही हुआ, वो मैंने नहीं किया, वो किसने किया, वो आपने। ये किसको प्रैक्टिकल कीजिए आप, अच्छा काम करने के बाद व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, बड़ी अच्छी भाई, सिर पे मुकुट लेके कोई सो नहीं सकता, सिर पे टोपी बांध के कोई सो नहीं सकता, क्यों, नींद व्यक्ति को तब आती है जब व्यक्ति हल्का होता है, ठीक है, नींद तो तब आती है जब व्यक्ति हल्का हो उसका दिमाग, और अगर दिमाग में कोई वृत्ति चढ़ी हुई है कि मैंने किया, ये मैंने किया, अच्छा उल्टा भी है, अगर बहुत ज्यादा ये करते थे कि ये मेरे कारण नहीं हुआ तो भी व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। इसलिए सबसे अच्छा तरीका संतों ने बताया कि सोते समय 5 मिनट आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना की जाए, जो हुआ वो आपने कराया, जो मेरे से गलती हो गई उसको क्षमा कीजिए, और आगे फिर कल से प्रातः एक नई ऊर्जा दीजिए। ये अभ्यास पड़ जावे तो इसका फल बहुत आता है। देखता तो है कि ये छोटी सी प्रार्थना है तो आपको बड़ी ऊर्जा मिलती कि जो हुआ वो भगवान की कृपा से। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी अभी समस्या व्यक्ति की कर्तृत्व की ही है, जो घर घर में लड़ाई हो रही है, मैंने किया। इसीलिए किसी बुजुर्ग को क्रेडिट दे दिया जाता था, ये इनके आशीर्वाद के कारण हुआ। चलो, तो दोनों बातें खत्म हो गई। तो ये निमित्त मात्रम भव, भव मतलब क्या है, आदेश दिया है, जाओ निमित्त बनो, कर्ता मत बनो, कर्ता बनोगे सुखी और दुखी होगे, निमित्त बनोगे दास बुद्धि व्यक्ति के अंदर पनपेगी, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे जरिए से करवाया, इसको बोलते प्रसाद बुद्धि, मेरे जरिए से करवाया गया। और भगवान ने उत्तर भी दे दिया, जिनसे तुम डरते हो, जिनको युद्ध में जीतना नामुमकिन है अर्जुन, वो मैंने पहले ही मार दिया, भीष्मम द्रोणम जयद्रथम करणम, ये देख चुके आप। तो ये सूत्र निमित्त का ध्यान में रखें। अब जो अर्जुन कहता है, अर्जुन ने ये 36वां श्लोक, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, भगवान जो हो रहा है वो सही ही तो हो रहा है, ये उचित ही तो है, कल मैंने बोला स्थाने मतलब उचित ही तो है, इसमें गड़बड़ क्या है। जो व्यक्ति प्रसन्न है भगवान, वो आपके कारण है, जो प्रसन्न है वो आपके कारण। अच्छा, ये भी देखना नीचे, जो डरे हुए हैं, जो डरे हुए हैं भागे चले जा रहे, रक्षांसी भीतानी दिशो द्रवंती, द्रवंती मतलब भागे जा रहे हैं, उन व्यक्तियों को जो डराने वाली चीज है वो कौन है, वो आप ही है, आपके कारण ही सभी लोग डर रहे हैं। यही नहीं, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाह, ये जो भक्त लोग हैं, कल बात कह रहा था मैं, सिद्ध मतलब यहां सिद्ध नहीं, सिद्ध मतलब दोनों अर्थ लेने चाहिए, सिद्ध मतलब साधक भी और सिद्ध मतलब जो सिद्ध हो चुका है,
वह सभी साधक सिद्धगण आपको क्या करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तीन कैटेगरी दिखाई। अब यहां अर्जुन का प्रश्न है, कस्माते ना, अरे क्यों ना करें। देखो ये शैली देखो अर्जुन की, कस्माते ना नमेरन महात्मन, हे महात्मा आपको प्रणाम क्यों ना करें। अरे क्यों करोगे प्रणाम, बोले गरीयसे, आप भारी हैं। देखो कल ये प्रश्न छूटा था, व्यक्ति प्रणाम, तो प्रणाम एक तो वृत्ति है, वृत्ति को दिखाने के लिए क्रिया की गई, सावधानी से समझना चाहिए नमस्कार को। हम और आप जो नमस्कार करते हैं वो सिर्फ क्रिया है, इसलिए उस नमस्कार का कोई अर्थ कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि हमें इतना पता है कि हाथ जोड़ लेना तो हमको लगता है ये नमस्कार है, और ये पूर्ण नमस्कार नहीं है। वृत्ति, व्यक्ति के अंदर नमस्कार की वृत्ति उठे और वह वृत्ति को क्रियाओं से प्रदर्शित करे तो क्या हुआ, नमस्कार बना। अब क्या वृत्ति है, व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति है यदि उसमें अपार बुद्धि महिमा पराक्रम दिखता है तो स्वाभाविक है दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी झुक जाएगा। आपको बताऊं, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति झुकेगा, पर शर्त एक है, आपके बारे में उसको क्या होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए। अब ईश्वर जैसा सम्मुख व्यक्ति खड़ा हो, देखो इसीलिए कहा गया मैंने कहीं ये परिभाषा सुनी प्रणाम की, महत की आनंदमयी स्वीकृति का नाम प्रणाम है। ध्यान रखना, प्रणाम में व्यक्ति को दुख नहीं हो सकता। जब भी व्यक्ति प्रणाम करेगा तो प्रणाम में प्रणाम करने वाले को क्या आना चाहिए, आनंद। यदि वो दुख से कर रहा है, ध्यान रखना, तो प्रणाम तो हो ही नहीं सकता, फिर तो क्या कर रहा है, क्रिया मात्र कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है जैसे नेता करता है। तो नेता जो हाथ जोड़ता है तो आपको क्या लगता है, उसके अंदर कोई वृत्ति चल रही है। तो हम और आप जो कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, माता पिता गुरु और आचार्य के प्रति जो प्रातः सायं और दोपहर में हो रहा है, यह तो सिर्फ एक क्रियाओं, हाथ जोड़ लेना और ये करना ठीक है, लेकिन कोई विशेष फल नहीं आ सकता। लेकिन यदि वह वृत्ति मन से आवे तो सहज ही व्यक्ति का हाथ उठ जाता है। ये भी बताऊंगा आपको, देखो आप मंदिर आ जाए और कोई अच्छा शुद्ध साफ पवित्र मंदिर दिखे तो व्यक्ति के अपने आप ही दोनों हाथ क्या हो गए, अब राक्षस हो तो उसकी बात छोड़ दो, मतलब क्या कहा जाए, नास्तिक व्यक्ति हो जो कुछ अध्यात्म से हीन हुए उसके लिए तो आप छोड़ दो, सादा सरल इंसान हुए तो भी व्यक्ति हाथ जोड़ लेता है। व्यक्ति हाथ सहज ही जोड़ लेगा, बस उसको दो चीजें होनी चाहिए, जो सामने वाला व्यक्ति है वो महत होना चाहिए। लोग कहावत में कहते हैं चमत्कार को नमस्कार, महत मतलब उसके अंदर कुछ प्रभाव होना चाहिए और वो मुझसे ज्यादा होना चाहिए, और वह प्रभाव मुझे दिखे और मुझे झुकने में मजा आए तो व्यक्ति क्या कहता है, ये क्या हो गया, प्रणाम हो गया। इसीलिए बोला परिभाषा क्या है, महत की आनंदमयी स्वीकृति, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। अब बड़ा से कोई बड़ा व्यक्ति देखो आ जाए तो हम नहीं भी जानते तो भी उसको क्या कर लेते हैं,
हाथ जोड़ लेते हैं। क्यों? उसके अंदर का जो बल है, उसके अंदर का जो बल है वो हमको अपने आप ही क्या करा लेता है, हाथ जुड़वा लेता है। ये संतों के साथ तो यही होता है, वो किसको कितनों को जानते होंगे, लेकिन व्यक्ति उनके अंदर के जो ईश्वर है उसको क्या करता है, प्रणाम करता है। अब यही अर्जुन का प्रश्न है यहां, आपको कोई प्रणाम क्यों ना करे, उसका कारण क्या है? भगवान गरीयसे, इसलिए कहा गया गरीयसे मतलब भारी। व्यक्तित्व जो व्यक्ति का होना चाहिए वो भारी होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए, उथला व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए, तो कोई प्रणाम नाम वहां बीच में नहीं घटता। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आज का युवक या यंगस्टर्स माता पिता को प्रणाम नहीं करता, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में उसको वो चीजें दिखती नहीं है कि कुछ चीजें क्या है श्रेष्ठ दिखें, वो कॉमन जैसी दिखती हैं। तो फिर सभी में बोलता उसमें प्रणाम करने की क्या आवश्यकता। व्यक्तित्व आपको अपने आप बनाना होगा। और मुझे तो सबसे अच्छा यही लगा, देख देख के नैतिक गुणों को अपने व्यक्तित्व में क्या किया जाए, बढ़ाया जाए बस। और ये हो सकता है और ये संभव है, सिर्फ नैतिक मूल्यों को अपने अंदर लाया जाए, उसको जिया जाए, दूसरा व्यक्ति अपने आप ही आपको क्या कर लेगा, प्रणाम कर लेगा। किसी को जबरदस्ती आप प्रणाम नहीं करा सकते, कोई वो तो 2 मिनट के लिए होगा, उसके बाद फिर थोड़ी ना उसके मन में श्रद्धा भक्ति आएगी। अर्जुन बोलता है गरी ऐसे, आपका जो व्यक्तित्व है वो भारी है। और क्या बोलता है, ब्रह्मणा अपि आदिकर्त्रे, वाह। भाष्य देखिएगा, कस्माच्च हेतु होते तुव्यम न नमेरन, मेरे को कोई कारण बताए कि नमस्कार क्यों ना करे। न नमस्कर्युः हे महात्मन गरीयसे गुरुतराय यतो ब्रह्मणा। देखो ब्रह्मणा का अर्थ भाष्यकार ने क्या किया है, हिरण्यगर्भः, हिरण्यगर्भः आदि आदिकर्ता कारणम। ये हिरण्यगर्भ का भी जो कारण है वो कौन है, वो आप हैं। देखो जी, इस सृष्टि को बनाने वाले जो हिरण्यगर्भ है, जो सृष्टि की पहली स्थिति, उसका भी कर्ता कौन है, वो आप ही है। तो आप बताइए कि आपको नमस्कार क्यों ना करे व्यक्ति। छोटी छोटी चीजों को करता है तो जगत को बनाने वाले को नमस्कार नहीं करेगा। आप कैसे हैं, अनंत, ये अर्जुन को ज्ञान है। देखो अनंत, आपका कोई अंत नहीं है। देवेश, जितने देवता हैं उनके आप स्वामी हैं। देखो जी, यही नहीं, जगन निवास, ये अर्जुन को भान है। देखो आप इसी जगत में निवास करते हैं और ये मुझे दिख रहा है साफ साफ कि आप जगत में हैं, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया, जगन निवास। और उपनिषद और वेदांत जिसको बोलते हैं अक्षरम, देखो इसने सुना ना 8वां अध्याय, अक्षरम किम, तुम अक्षरम, आप ही अक्षर हैं। और यही नहीं, सद असत तत्परम। देखो जी भाष्यकार ने अर्थ दिया है सद असत, देखिए अर्थ, विद्यमानम जो चीज एग्जिस्ट करती है वो सत है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो क्या हो गई, असत। ये जो सत है, जिसके कारण ये सत है वो कौन है, वो आप हैं। और जिसके कारण ये असत है वो भी कौन है, आप। इसका मतलब अधिष्ठान कौन है, आप। दूसरा अर्थ समझ लें, सत और असत की वृत्तियों का जो प्रकाशक है वो आप हैं। ये नहीं है यह बताने वाला भी कौन है, यह आप ही हैं। और यह है ये भी बताने वाला कौन है, आप।
तो सत असत वृत्तियों का प्रकाशित करने वाला जो तत्व है भगवान, वो आप ही है। इसका मतलब अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान भी पूरी तरीके से, देखो जी व्यावहारिक ज्ञान तो है ही है, जगत का भी ज्ञान है और ये ब्रह्म ज्ञान भी है कि आप ही सत असत हैं, आप ही दोनों का क्या है अधिष्ठान है। परमार्थता तू सद असत परम तद यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति तत्त्वम, जो भी कहा गया है वो कौन है, तत् तुम एवं न अन्यत, यहां और कोई कुछ नहीं है। देखो जी तो जो एग्जिस्टेंस दिख रहा है वो भी उसके कारण है, जो नॉन एग्जिस्टेंस दिख रहा है वो भी किसके कारण है, या ऐसा समझ ले जो मैनिफेस्ट है वो भी आपके कारण और जो नॉन मैनिफेस्ट है वो भी किसके कारण। तो भगवान ब्रह्मणों आप अपि आदि कर्त्रे है, अनंत देवेश जगन निवास अक्षरम सदसत परम, इतनी चीजें आप में भरी हैं तो आपको नमस्कार नहीं करेगा कोई, हो गया ना, क्यों ना करे नमस्कार। हाँ आपके बारे में उसको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। देखो यदि महिमा का ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति नमस्कार भी नहीं करता। देखो और दूसरा है, यदि आपके पास कोई रहे खड़ा होवे तो भगवान आपकी महिमा का ज्ञान उसको खुद ही हो जाता है कि आप क्या हैं। त्वमादिदेव पुरुष पुराण, त्वम आदिदेव, इस जगत के रचयिता होने के कारण आदि देव कौन है। तो आप ये मत कह देना ब्रह्मा जी, अभी तो ब्रह्मा जी की देखो हालत खराब कर दी इन्होंने, इसके बाद ही यही कहीं बोले ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा जी के जो पिता हैं वो आप हैं। अब लो ब्रह्मा जी बाबा हैं तो आप पर बाबा हैं, तो जगत का कर्ता ये मत मानना कौन, क्योंकि ब्रह्मा जी को जो ज्ञान देने वाला है आप भागवत में सुन रहे हैं, सृष्टि को वो देने वाले कौन है, वो कृष्ण ही है। त्वम आदि देवः पुरुषः, और क्या बोलते हैं पुराणः, सबसे प्राचीन सबसे जगत को बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, वो आप हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, जगतः सृष्टित्वात् पुरुषः पुरीशयनात्। देखो पर ये पहले भी व्याख्या हो चुकी इसलिए नहीं कर रहा हूं, पुरुष का अर्थ ही है जो पुरी में रहता है, पुरीशयनात् इति पुरुषः, जो पुरी में रहे वह पुरुष है। तो आपका शरीर भी क्या है, पुरी, तो जो इस शरीर में रहता है वो भी कौन है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, पुरुष। और यह शरीर भी क्या है, पुरी, इस पुरी में जो रहता है वो भी कौन कहलाएगा, पुरुष। पुरी शयनात इति पुरुषः, दूसरा है पूर्णत्वात इति पुरुषः, जो पूर्ण है वह पुरुष है। तो जगतः सृष्टित्वात पुरुषः पुरी शयनात पुराणः चिरंतनः, देखो जी त्वमेव अस्य विश्वस्य परम प्रकृष्टम निधानम निधीयते अस्मिन् जगत, और यह पूरा का जगत जहां लय होता है वो भी कौन है, आप ही हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी कौन है, आप, और एंडिंग पॉइंट भी कौन है, आप। तो इसका मतलब पूरे बीच भर में कौन भरा हुआ है, आप ही भरे हैं। वेतासि वेद्यम च परम च धामम, ये मैं आपका क्या देख रहा हूं, विश्वम अनंत रूपम, मुझे पता है आप वही है। देखो एक बार इसने पूछा था ना, आप कौन है, भवान उग्र रूपो आख्या हिमे को, आप कौन है ये जो रूप दिखा रहे हैं, क्या बोलता है, आप ही हैं, ये विश्व जो रूप है भगवान का वो आप का ही दिखा रहे हैं। क्या क्या दिख रहा है उसको, वायुर यम, वायु भी आप ही है, यम भी आप ही है, अग्नि भी आप ही है, वरुण भी आप ही है, शशांक भी आप ही है, ये क्या हो गया, पंचमहाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी चिति जल पावक गगन समीरा, ये जो पंचमहाभूत दिख रहा, प्रजापतिस्तम, प्रजापति भी कौन है, आप,
प्रपितामहश्च, देखो जी प्रपितामहश्च, बाबा क्या बाबा के परबाबा भी कौन है, आप ही हैं। ब्रह्मणा भाष्य दिखेगा, ब्रह्मणा अपि पिता इत्यर्थ, प्रपिता का अर्थ देखिएगा क्या कहा गया है, ब्रह्मा जी के भी जो पिता हैं वो कौन है, वो आप हैं। तो देखो तो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हुए कि नहीं। नमो नमस्ते, अब देखो जहां व्यक्ति को इतना ज्ञान होवे महिमा होवे तो क्या करेगा वो, नमो नमस्ते सहस कृत्वा, एक बार नहीं नमस्कार कर रहा है, कितनी बार नमस्कार कर रहा है, जब देखो तो नमस्कार ही नमस्कार, नमस्कार ही नमस्कार। भगवान भाष्कर ने बड़ा अच्छा पूछा कि कोई एक दो बार ठीक है, हजार बार नमस्कार करने का क्या तुक है, ये तो पागलपन है, हजार बार उसी को कर रहा है। भाष्यकार क्या लिखते हैं, पुनः च भूय अपि इति, मिल गया आपको नीचे से दूसरी पंक्ति, श्रद्धा भक्ति अतिशयाद अपरितोषम। वाह, जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा भक्ति भरी हो और जब वह ईश्वर को देखे तो वह तृप्त नहीं होता, तो जो वह तृप्त नहीं होता तो अपने को तृप्त करने के लिए क्या करता है, हजार बार नमस्कार करता है। जैसे आप कोई आपके यहां बड़ा व्यक्ति कोई आए तो आप उसको 10 बार जाते जाते कहते हैं, क्यों, तृप्ति नहीं मिली। लेकिन ये कौन करेगा, बोले जिसके मन में श्रद्धा क्या हो, भरी हो। वह व्यक्ति जब तृप्त नहीं होता तो क्या करता है, नमस्कार करता है, कितनी बार, सहस्र कृत्वा। नमः पुरस्ताद, फिर से देखो नमो नमः पुराण चालू हो गया, नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठ, पृष्ठ मतलब क्या दिया गया, मैं आपको नमस्कार करता हूं पीछे से। तो ध्यान से देखना, महात्मा लोग तो इस पे भी बड़ी बड़ी चीजें सुना डालते हैं, मैं आपको पीछे से नमस्कार करता हूं, मैं आपको आगे से नमस्कार करता हूं, मैं दाएं से नमस्कार करता हूं, मैं बाएं से करता हूं, मैं ऊपर से करता हूं। देखो नमो नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठ, ते नमस्तु ते सर्वता एव सर्वः, हर जगह से आपको मैं क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमस्कार का भी एक आचार संहिता बनाई गई, ध्यान रखना, ये बात चली तो इसको सीखें। दो समय व्यक्ति को कभी भी नमस्कार नहीं करना चाहिए, नहीं है तो ये सीख लीजिए, जब व्यक्ति सो रहा हो तो सोते समय उसके पैर को नहीं छूना चाहिए, वह तो मृत्यु का परिचायक है, और दूसरा जब व्यक्ति भोजन कर रहा हो तो भी उसको नहीं टच करना चाहिए, भोजन करते हुए भी नमस्कार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। व्यक्ति जब भोजन कर रहा है तो भी नमस्कार ना करें, जब व्यक्ति सो रहा है तो भी नमस्कार ना करें। दूसरी चीज, नमस्कार कभी भी व्यक्ति को यदि करना है तो वो आगे से करना चाहिए, ठीक है, ईष्ट के सम्मुख, ईष्ट के पीछे से नहीं, पीछे से तो उसको ना दिखा और मान लीजिए वो पीछे चला तो आपके ऊपर ही हाथ पैर आ गया, ये कोई आ रहा है तो उसका ही हाथ पैर लग गया। इसलिए कहा गया व्यक्ति को प्रणाम सदैव कहां से करना चाहिए, आगे से करना चाहिए, ये नियम है। फिर प्रणाम में आपको, आपको कई बार बता चुका हूं, अपने अहंकार को झुकाने का नाम प्रणाम है। महात्मा लोग तो कहते हैं ऐसा प्रणाम तो 2-3 बार हो जाए तो प्रणाम करने की आवश्यकता ही ना पड़े, ये दक्षिणामूर्ति में यही बात आई, अहंकार को झुकाने का नाम है प्रणाम। किसी ने ये भी पूछा कभी से गुरुदेव से कि अहंकार, अहंकार का मतलब क्या, द बंडल ऑफ द पास्ट मेमोरीज इज ईगो, बंडल ऑफ पास्ट मेमोरी, यही व्यक्ति को ईगो लेके बैठता है, ये जो उसका भूत है ना यही इसको अहंकार क्या करता रहता है, जगाता रहता है। इसलिए पास्ट मेमोरीज को तो आप क्या कर दो, ड्रॉप कर दो,
मैं कभी था, वो पूछते थे वो था अभी क्या हो। ये था को देखकर व्यक्ति चलेगा ना तो उसको अहंकार तो चढ़ के ही बोलेगा। और वास्तव में सब कुछ अगर आप देखोगे ना तो रमण महर्षि की तरीके से हमारा स्वयं का तो कुछ परिचय ही नहीं है। ईगो की जो बात है, यदि कोई व्यक्ति सोचे स्वयं का परिचय देने की कोशिश करे तो कुछ आपको समझ में आएगा। स्वयं का तो कोई परिचय ही नहीं है तो किस बात का उसको अभिमान होएगा। इसका मतलब अभिमान अपनी पिछली चीजों को वो व्यक्ति क्या करा है, लेके बैठा है, तो समस्या आएगी। खैर, अच्छा अब इसने प्रणाम किया तो ध्यान रखना, अब ईश्वर को प्रणाम क्यों चारों तरफ से किया, क्योंकि वो कहाँ दिख रहे हैं, चारों ओर से, इधर भी हैं, उधर भी हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। लेकिन क्या कहता है, अनंत वीर्या अमित विक्रमस्तम। देखो, अनंत वीर्य और अमित विक्रम ये दो अलग अलग शब्द हैं। पराक्रम शब्द अलग है, देख लेना, ये पराक्रम शब्द अलग है और साहस का जो शब्द है वो अलग है, दोनों में बहुत अंतर है। क्या भाष्यकार ने क्या अर्थ किया वो देखिए, अनंत वीर्य अमित विक्रम। अनंत वीर्यम, अनंत वीर्यम का अर्थ है अस्य अमित विक्रमा यस्य वीर सामर्थ्यम। सामर्थ्य होना और पराक्रम होना ये दोनों अलग अलग है। व्यक्ति सामर्थ्यवान है लेकिन यदि वो एग्जीक्यूट नहीं करता तो वो पराक्रम नहीं बन सकता। पकड़ में आ रहा है क्या अंतर है दोनों में? शक्ति है लेकिन वह शक्ति जब तक वो काम नहीं करेगा तो उस शक्ति का उपयोग क्या आएगा? तो कई बार व्यक्ति के पास वीर रक्षण शक्ति तो है लेकिन उस शक्ति का उपयोग करना, पराक्रम करना ये व्यक्ति को नहीं पता है। इसलिए दो बार शब्द बोला, वीर सामर्थ्यम विक्रम पराक्रम। देखो, वीर्यवान अपि, ध्यान से देखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, वीर्यवान अपि, वीर्यवान मतलब, वीर्यवान मतलब सामर्थ्यवान, मतलब सामर्थ्य होते हुए भी अपि कोई कोई शस्त्र आदि विषय न पराक्रमे। देखो जी, किसी के पास बहुत शक्ति है लेकिन उससे कहो कि कोई शस्त्र चला ले तो चल वो कोई शस्त्र चला नहीं सकता। और दिखने में क्या लग रहा है, इसके पास बहुत बल है लेकिन जब आप इसे काम कराओ तो आपको पता ढेले भर का काम नहीं कर सकता। ये हो गया ना अंतर, दिखने में शक्ति दिख रही है लेकिन आप इससे कुछ काम करवाओ तो काम करने में क्या है, ये कुछ नहीं कर सकता। तो ये दोनों में अंतर आया नहीं है? वीरवान अपि कश्चित शस्त्र आदि विषय न पराक्रमे, मंद पराक्रमो वा। देखो जी, इसलिए वीरवान होने के साथ व्यक्ति को क्या होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए। महावीर विक्रम बजरंगी, देखो जी ये शब्द आया। तो अनंत, देखो अच्छा, वीर मतलब सामर्थ्य, तो आपकी सामर्थ्य कितनी है? अनंत शब्द ही क्या लगा दिया, अनंत सामर्थ्य और अमित विक्रम। अमित विक्रम मतलब नापा न जा सके, उसको क्या बोलते हैं, अमित। त्वाम समाप्नोषि ततोषि सर्व, भगवान आपको कोई प्रणाम क्यों ना करे, आप तो अनंत वीर, अनंत सामर्थ्य, अनंत पराक्रम वाले हैं, लेकिन भगवान आज मैं आपको एक चीज कहता हूं। देखो, तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, सखेति मत्वा। देखो, ये अर्जुन का एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने क्या गड़बड़ किया, और वो उसका कारण भी बता देता है, मैंने, मेरे से गलती क्या हो गई भगवान, मैंने आपको क्या मान लिया, सखा। देखो जी,
संत लोग बोलते हैं सखा मानना भगवान को बहुत घाटा में रखने के बराबर है। अब मना नहीं है, मित्र भी मानो, लेकिन मित्रता से भगवान से कुछ मिल नहीं सकता, क्योंकि वो ज्ञान और ये सब तो देंगे, क्योंकि मित्र होगा तो मित्र मित्र को तो ज्ञान देता नहीं है, भगवान ने भी नहीं ज्ञान दिया था। ध्यान रखना, जब अर्जुन ने क्या स्वीकार किया तब ज्ञान दिया है, ज्ञान तो पहले भी दे सकते थे। मित्र भाव में ज्ञान नहीं हो सकता, मित्र भाव में आदर भाव भी नहीं जागता है। देखो इसलिए क्या बोलता है, सखीति मत्वा, मैंने मत्वा मतलब माना, क्या माना आपको, सखा, और महाराज माफ करो मैंने क्या क्या आपको बोल दिया है। देखो जी क्या क्या बोला, हे कृष्णा, यही नहीं, हे यादव। अब संत लोगों ने तो बहुत बोला है इसी श्लोक पर, बोलते हैं कृष्ण तो बेचारे सीधे थे, जो दोस्त कह देता था वो काम कर देते थे, तो मानो कि ये अर्जुन लेटा हो और भगवान आ रहे हो, तो बोलता है ए यादव पानी लेके चले आओ, भगवान पानी भी ले आते थे। ये तो ये भी बोल देता था कि तू गवारियों का लड़का है, ग्वालों का लड़का है, न कपड़ा पहनना आता है तेरे को कुछ, और देख तेरा श्रृंगार कैसा है, एक श्रृंगार के नाम पर क्या लगा रखा है, जानवर का अंग, वो भी मोर पंखी लगा रखी है। ऐसी भी बदनामी करते मित्र लोग कि तुमको कुछ पहनना भी नहीं आता है, ये तुमने पहना क्या रखा है, श्रृंगार के नाम पर क्या किया है, एक मुकुट लगा के रखा है, और हो सकता है भगवान को नीचे भी गिरा दे मित्र, तो देखो जी नीचे बैठ जाओ, पानी ले आओ, यहां चले जाओ, और भगवान जो कहते थे भगवान क्या कर देते थे, कर देते थे। ये भाव लिख रहा है इसमें, हे कृष्ण मैं तो आपको भगवान भगवान तो दूर की बात है। देखो किसी बड़े व्यक्ति का नाम आप मुंह से बार बार नहीं ले सकते, ऐसी मनु स्मृति सूत्र कहती है, देवता ही परोक्ष प्रियाः, देवता ही परोक्ष प्रियाः, जो बड़े लोग हैं उनका नाम हमें अपने मुंह से बार बार नहीं निकालना चाहिए, तो उसको उनको परोक्ष करके बात करनी चाहिए। और ऐसा मैंने देखा जो अच्छे संत महात्मा होते हैं तो नहीं बोलते कि वहाँ तो ये भी ये तो आप लोगों की गलती है, ये आप बात करते समय ऐसे बात करते हैं। किसको कह रहा हूँ, सरोज अम्मा, ये देखो आपने देखना, ये बहुत वॉच करना, मैं तो बोलने ही वाला था किसी दिन आपको अकेले मिल गया आज, जब भी बात करें उंगली, आपने ऐसा कहा था किसी से बात करते समय किसी को उंगली नहीं दिखानी चाहिए, ये कल्चर ही नहीं है, और बात करते समय हमको तो ये भी सिखाया गया कि ये भी नहीं बोलना चाहिए कि आपने कहा था, ये भी नहीं, ये भी कल तो मैं सुन रहा था वहां तो बोला हो गुरुम हुं कृत्य, गुरु को यदि हूं करके भी बात कर दी तो जायते शमशान वृक्ष, शमशान का वृक्ष बने। अब ये आचार संहिता इसको सीखना चाहिए, और नहीं सीखेंगे तो फिर कभी ऐसे ही ज्ञान चलता रहेगा। पहली बात हमको तो ये मेरे से भी गलती हुई कि आपने ऐसा बोला, वहां बोला परोक्ष प्रिया, आप तो प्रत्यक्ष बोल दे रहे कि आपने कहा, तो ये तो प्रत्यक्ष हो गया। बड़ों को प्रत्यक्ष नहीं अच्छा लगता तो क्या बोलते, स्वामी जी ने ऐसा कहा, जबकि बैठे कौन है, वो तो स्वामी जी ही बैठे हैं, अगर वो बैठते थे तो हम यही बोलते आपने ऐसा कह दिया, ये तो अकेले में हो तो ऐसी अंतरंग बात हो तो ठीक हो, स्वामी जी ने ऐसा ही कहा था, स्वामी जी को जाना है ऐसा करके या गुरु जी को जाना है, कभी भी प्रत्यक्ष करके और कभी भी चिन्हित करके बात नहीं करनी चाहिए, ये आचार संहिता का दोष है। ये सब सीखने वाला है, कभी भी उनके, अब हम लोग तो छोड़ो चले आपके परिचित हैं, जो विशेष महात्मा आते हैं कभी भी उनकी पादुकाओं को क्रॉस मत कीजिए, पता लगा उन्हीं की पादुकाओं खड़ाऊ को क्या कर दिया, लात मार दी, आप देखना लक्ष्मण जी कहाँ रहे, बच बच कर चलते रहे, कभी भी हमारा उस पर चरण या उस पर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारी चीज, छोटी छोटी चीजें जो देखनी चाहिए,
कोशिश होनी चाहिए कि उनके मुझे कहाँ रहना चाहिए, पीछे रहना चाहिए। और जो आगे चलता भी है उसको भी पता है क्या कहा गया है, वो दो चार कदम आगे चले। अगर रास्ता ही दिखाना है तो आगे चले, एकदम साथ में उनके पैरेलल नहीं चलना चाहिए, ये भी दोष है। अभी तो कभी आप अच्छे कोई मिले आपको आचार्य परंपरा में, तो वो आपको फिर ठोक पीट के सब सिखाते हैं। आप तो खैर ठीक है, हम तो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति रहे, हम तो वहाँ शुरुआत में ऐसे बैठते थे तो मुझे किसी ने बताया, वो स्वामी जी ने तो मुझे बोले ही नहीं। अब आचार्य कैसे बोले कि मेरे सामने मत करो। ये धोती पहनते थे, वाइट धोती, मतलब जब ब्रह्मचारी थे 14 साल पहले की बात। तो बैठे थे, डिस्कशन हो रहा था, एक सीनियर स्वामिनी भी बैठी थी, स्वामी भी बैठे थे, वो तो हम लोग तो जूनियर थे। और महाराज भना भन बोले चले जा रहे थे, डिस्कशन हो रहा था। तो उसके बाद एक सर्कुलर आया कि उन्होंने आप लोगों को क्लास में बुलाया अलग से, तो गए, जूनियर थे तो जाना ही था। क्या था? तो बोले आप लोगों की हिम्मत कैसे होती है कि आप लोगों का कि धोती आप लोग पहनते हो और अपना पैर भी ढक के नहीं बैठते। तो ये अजानता में अर्जुन भी पता ही नहीं था, अपने आचार्य को, अपने पिता को अपने अंगूठे का नख भी नहीं दिखना चाहिए, ये सूत्र है। इसलिए जब भी आप देखें हम लोग कभी बैठेंगे तो ऐसे कवर, बहू बैठती थी ससुर के सामने, आपने देखा है, तो यही चीज मुझे याद आई, जो अपने से पूज्य भाव है उसके क्या है, कवर करके बैठे कि हमें उनके चरण नहीं दिखने चाहिए, अपने चरण उनको दिखा रहे। और मार पलथी मार के बैठ गए शास्त्रार्थ करने, तो पैर वो देख रहे, कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा आप बड़े स्वामी को देखेंगे तो वो गुरुजी के तेजोमेन जी के सामने ऐसा नहीं करेंगे, वो नीचे बैठेंगे, आज्ञा लेंगे और ऐसा कवर करके बैठेंगे कि हमारे शरीर के अंग इनको नहीं दिखने चाहिए। देखो ये आचार संहिता, इसी से पता लगता है कि आपकी वो जो कटिंग है ना, फूल आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फूल आने पर जब उसको कटिंग करके दिया जाए तब वो मन को क्या होता है, वरना आगड़ बागड़ कहीं भी चली जाती है इधर उधर। तो समझ में आता है कि फूल तो खिले लेकिन इनको ठीक से क्या किया गया, ट्रिमिंग नहीं की गई, इनको काटा नहीं किसी ने। ये सब व्यवहार में बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो सखेति मत्वा, मैंने तो आपको दोस्त माना है और दोस्त माने पे मैंने आपको क्या बोल दिया, हे यादव, हे सखा, देखो ओ माय डियर फ्रेंड, ये लोग बुलाते ही दोस्त, मैंने आपको ये कहा। लेकिन भगवान ये जो मैंने किया इसका रीजन है, इसका रीजन है, मैंने ऐसे नहीं किया जानबूझ के। क्या बोलता है, अजानताम, भगवान मैं जानता ही नहीं था, अजान, अज्ञान है तो फिर सब कुछ, अब कोई व्यक्ति जानबूझ के थोड़ी ना कर रहा है, इसीलिए उसका पाप इतना नहीं लगता, क्योंकि अज्ञान में ही क्या उसने जानबूझ के करे तो ठीक है, फिर समझ में आए कि व्यक्ति दोषी है। अजानताम, मैं जानता नहीं था, क्या नहीं जानते थे, महिमानम, और भगवान मैंने, देखो अब ये तो बहुत छिपी बात है, मैंने आपसे प्रमाद में भी बात की। प्रमाद मतलब ऐसे ऐसे वाक्य आपको कह दिए कि जो आपको नहीं कहने चाहिए, मित्रता में व्यक्ति बोलते ही ऐसे ऐसे वाक्य, और मैंने कुछ कुछ वाक्य आपको प्रणयेन, देखो दो हैं, प्रमादात और प्रणयेन वापी, मैंने कुछ कुछ, किसी को मैं प्यार करता हूं तो मैं कुछ भी बोल देता हूं, बोले मैंने भी आपको क्या कर दिया है, कुछ भी बोल दिया है। भगवान दो भावों से बोला था, एक तो मेरा प्रमाद, मैं लेटा हूं, ए इधर बैठ जाओ, ए पानी ले आओ, ए यहां कर दो, तो ये तो मैंने किससे बोला, प्रमाद से बोला भगवान। दूसरा, मैं आपको बहुत प्रेम करता था भगवान, तो प्रेम के कारण भी मैंने बोल दिया है, लेकिन मैं आपकी ये जो महिमा है, ये कौन सी महिमा, सुनना, राम के जीवन में भी ये हुआ है, जो वह ऐसे ईश्वर और पुरुष हैं, बीच बीच में तो अपनी वो लीला दिखा देते हैं, लेकिन सामान्य तरीके से वो कैसे रहते हैं, जैसे आम व्यक्ति, तो उनकी महिमा का लोगों को पता ही नहीं लगता था। भगवान के साथ भी तो ऐसा ही हुआ है, राम जी के साथ में, अब
जैसे छोटा बच्चा अपनी परछाई देख के डरता है, तो राम जी भी किससे डरते थे पता है? खंभे को देख के। कौवा आ जाए तो चिल्लाने लगते थे, कौवा रोटी लेके चला गया तो रोने लगते थे। ये कैसी लीला है? तो लोगों ने आम ही समझा, लेकिन कुछ कुछ समय में उन्होंने करके दिखा दिया कि ये जो तुम आम समझ रहे हो मैं वैसा नहीं हूं, ये तो मैं क्या कर रहा हूं, लीला कर रहा हूं तुम्हारे प्रेम के कारण। अर्जुन भी यही बोलता है, मया प्रमादात प्रणयेन, मैंने कुछ प्रेम के कारण आपसे कहा है। और अपने आप ही क्या कहता है, मैं क्षमा करता हूं, अपने आप को क्षमा करवाता हूं। देखो करता हूं नहीं, संस्कृत में क्या बोलेंगे, तत्क्षामये, ये बड़ा अच्छा है संस्कृत में। हिंदी में बोलेंगे क्षमा करता हूं, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैं मांगता हूं, इसको इंग्लिश क्या बोलेंगे, पार्डन। लेकिन संस्कृत में क्या पता है, क्षामये, मैं अपने आप को क्षमा करवाता हूं। तो इसका मतलब अर्जुन ने यह भी मान लिया कि भगवान ने मुझे क्या कर दिया, क्षमा कर भी दिया, क्योंकि मैंने जानबूझ के नहीं किया था, अजानता महिमानम। कहां कहां गड़बड़ की थी बोले बता देता हूं कहां कहां। देखो बड़ा बड़े स्पेसिफिक बताया कहां कहां मैंने गड़बड़ काम किया आपके साथ में। विहार टहलते समय आपकी बहुत मौज उड़ाई है मैंने, शैया सोते समय आपको ढकेल भी दिया है, देखो जी बिस्तर भी आपका ले लिया है, आसन आपको ऐसे ही बैठा दिया है मैं अच्छे से बैठ गया था, भोजनेशु भोजन भी आपको उल्टा अपना अपने ही जूठा दे दिया आपको हमने। देखो ये इसीलिए इतने शब्द गिनाए, देखना विहार शैया आसन भोजनेशु, और एक बार नहीं अनेक बार किया है। हे अच्युत आप मुझे क्या कीजिए, क्षमा कीजिए, मैंने आपको जाना नहीं था इसलिए ये बोल दिया। कल देखते हैं आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।